The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आपको ये जानना है कि क्या आपको जो हो रहा है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्या आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो पहले इस बात का जवाब दीजिए, क्या आपका इरेक्शन हो रहा है, कभी भी इरेक्शन हो रहा है या नहीं। अगर आपको कभी भी इरेक्शन नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा, सुबह भी नहीं हो रहा, रात में भी नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा, कोशिश करने पर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हिल भी नहीं रहा है, कुछ नहीं, इरेक्शन ही नहीं हो रहा, छोड़ा भी नहीं थोड़ा, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस हो रहे हैं, अगर आपको सही इरेक्शंस हो रहे हैं, देन देर इज अ गुड चांस, और आप यंग है तो देर इज अ गुड चांस द प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल। और अगर आपको इरेक्शन तो होता है लेकिन जल्दी बैठ जाता है, देन देर माइट बी अ प्रॉब्लम अगेन कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लेकिन अब दूसरे सवाल का जवाब आपको देना है, ये कितनी बार हुआ है। अगर आपको ये एक बार हुआ, सिर्फ एक बार हुआ है, देर इज़ नो प्रॉब्लम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको बहुत बार हो चुका है, यानी हर बार होता है या ज़्यादातर होता है, आपने 10 बार ट्राई किया, 10 में 8 बार या 6 बार, 5 से ज़्यादा बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। 10 में से एक ही बार हुआ था, आपको डर लग रहा है कि फिर से ना हो जाए, देन यू डोंट नीड टू गो। एक आधी बार किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, याद रखिए, किसी के भी साथ बल्कि सभी के साथ कभी ना कभी ये हादसा होता ही है कि वो पहली बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं, वो क्लीन बोल्ड हो, पहली बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है। सो कभी कभार एक आधी बार ऐसा हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बार बार लगातार हो रहा है, मोर देन यूजुअल, इट इज़ कॉजिंग एम्बैरेसमेंट, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है, तब आपको टेस्ट करवाने हैं, तब आपको चेक करवाना है। नंबर वन साइन जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होता है कि यू आर नॉट एबल टू गेट इरेक्शन और यू आर नॉट एबल टू सस्टेन। सस्टेन का मतलब है इरेक्शन रख नहीं पा रहे हो, बैठ जा रहा है। सो यू आर नॉट गेटिंग इरेक्शन, यू आर नॉट सस्टेनिंग इरेक्शन, या फिर आपका डिजायर ही कम हो गया है, यू डोंट वॉन्ट टू गेट एन इरेक्शन। दीज थ्री थिंग्स may not be a problem to you. Sometimes some people might not get a problem ki bhai I don't have desire, koi gal nahi, but it might be a problem to your partner because it is your dire duty to satisfy your partner. So aise cheezon mein talk to your partner, go to the doctor together, yes, and talk about your problem. This is very very important. Doctor ke paas jana, apni problem ke bare mein baat karni, खुल के आपको क्या लगता है उसके बारे में बताना कि आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि इसका क्या सलूशन है, आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलत किया। हो सकता है आपने कुछ गलती की अपने लाइफ में, उसके वजह से हो सकता है मात्र कुछ मन मुटाव हो आप दोनों के बारे में बात साथ में तो ऐसा हो रहा है, हो सकता कोई और कारण हो, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हॉर्मोनल, राइट। सो हॉर्मोन्स के टेस्ट होने चाहिए, थायराइड फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, आपके अल्ट्रासाउंड होना चाहिए स्क्रोटम का कि वहीं पर कोई नसें तो नहीं सूजी हुई, आपका विटामिन लेवल चेक होने चाहिए, पूरा विटामिन प्रोफाइल या एटलीस्ट विटामिन डी, B12, CBC, लिवर किडनी फंक्शंस टेस्ट होने चाहिए। किडनी लिवर की बीमारी में भी दिक्कत हो सकती है, किडनी की बीमारी में भी दिक्कत हो सकती है, उसमें ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ सकते हैं। टोटल बॉडी फैट अगर बहुत ज़्यादा है, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। सो देर आर सो मेनी फिजिकल एंड एक्चुअल मेडिकल रीजन जिसके वजह से आपको ED इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द पेनिस इज अनदर प्रॉब्लम, वो डिफरेंट चीज़ है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन इज जस्ट हाई सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, उसके लिए स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड्स, उसके लिए टॉप लैप जेल्स या बेसिक कॉन्डम्स आर क्वाइट इनफ। एनेस्थेटिक जेल्स होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड है, डेडिकेटेड वीडियो है प्री मैच्योर इजैक्युलेशन का, आप डेडिकेटेड वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो कभी कभार हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, हमेशा हो रहा है, देन गो टू अ डॉक्टर, राइट। क्या ये सडनली हो सकता है? जी,
सडनली हो सकता है किसी टाइम पे कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन सडनली होता है, वरना ज़्यादातर केसेस में ये स्लोली स्लोली हो सकता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होगा तो स्लोली होगा, क्योंकि उम्र के साथ आपका धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन कम होता है, उम्र के साथ ये दिक्कत आ सकती है। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू आर वेरी फिट, वेरी फाइन। ऑल यू नीड टू डू इज बिलीव इन योर सेल्फ, एंड इफ यू स्टिल कैन नॉट डू इट देन गो टू अ डॉक्टर, ऑब्वियसली, राइट। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ये सारे सिम्टम्स और साइंस आपको याद रखने हैं, और अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए। बाकी डिटेल वीडियोज़ आप देख चुके हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।